इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम अब आपको इस वीडियो प्रेजेंटेशन से ये बताना चाहते हैं कि नुशार के हीट एंड वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स को किस तरह से अप्लाई किया जाना चाहिए। इस ट्यूटोरियल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि नुशार प्रोडक्ट के साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसीजर यानी लगाने के तरीके को भी बराबर महत्व देता है। किसी भी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग पर मौसम की सबसे ज़्यादा मार उसकी छत पर पड़ती है। गर्मी और बारिश के कारण उसमें दरारें आ जाती है और यहीं से समस्या शुरू होती है। मसलन छत से लीकेज, सीलन और दीवारों में पपड़ी बनना। सूरज की तेज़ गर्मी के कारण छत की सरफेस अत्यधिक गर्म हो जाती है। इस सरफेस के अत्यधिक गर्म होने के कारण जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कारण छत पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सरफेस के अत्यधिक गर्म होने से बिल्डिंग के अंदर भी अत्यधिक गर्मी हो जाती है और इस कारण कूलिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। साथ ही छत पर जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं उनसे लीकेज, सीपेज आदि की समस्या भी होती है और इससे स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता है जो नज़र नहीं आता। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए नुशार के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप अपनी बिल्डिंग की लाइफ कई गुना बढ़ा सकते हैं और कूलिंग कॉस्ट में भी बहुत बचत कर सकते हैं। नुशार के प्रोडक्ट्स को लगाने का अपना एक तरीका है। हम इस वीडियो के माध्यम से वो तरीका आप सभी को दिखा रहे हैं। ये एक मकान की छत है जिसे हम तय प्रक्रिया द्वारा वाटर एंड हीट प्रूफिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जिसकी शुरुआत हमेशा छत की बहुत अच्छे से सफाई के द्वारा की जाती है। सफाई के लिए हमारे पास फनर पत्ती, वायर ब्रश, सैंडिंग मशीन, रेगमाल यानी सैंडपेपर, झाड़ू और वाइपर होने ही चाहिए, जिसकी मदद से सही तरीके से पूरी सफाई हो सकेगी। झाड़ू से सफाई के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि छत को साफ पानी से धोया जाए ताकि धूल मिट्टी के बारीक से बारीक कण भी पानी के साथ बह जाएं। धूल और मिट्टी के बारीक कण रह जाने से कोटिंग और सतह की बॉन्डिंग बराबर नहीं हो पाती और इसलिए धूल के कणों को पूरी तरह से हटाया जाना ज़रूरी है। छत की सफाई के बाद हम CCP मिक्स यानी सीमेंट कंक्रीट पॉलीमर मिक्स को सीमेंट और पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार करेंगे, जिसका अनुपात इस प्रकार होगा। सीमेंट 1 किलो, पानी 200 ml और CCP मिक्स 1 लीटर। सबसे पहले हम सीमेंट और पानी को स्टीरर से मिलाएंगे और ध्यान रखें कि ये मिक्सचर रूखा और सूखा सा ही रहेगा, किंतु इसमें पानी और ना मिलाएं। अब इसमें CCP मिक्स मिलाएंगे और स्टीरर से दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घोल एक सार सा तैयार हो जाए। लीजिए, अब घोल और सतह तैयार है एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले हम
पैरापिट वॉल से शुरू करते हुए छत पर एक सार पहला कोट लगाएंगे। पहला कोट क्योर हो जाने के बाद हम सीसीपी का दूसरा कोट लगाएंगे। दूसरा कोट लगाने के साथ ही साथ हम नॉन वोवन फैब्रिक को भी सतह पर चिपकाएंगे, यानी पेस्ट करेंगे। फैब्रिक लगाने के बाद हम हाथ से और फनर पत्ती से फैब्रिक को दबाएंगे, जिससे वो अच्छे से चिपक जाए और उसमें कोई हवा भी ना रहे। फनर पत्ती से दबाने के साथ ही साथ हम सीसीपी मिक्स का तीसरा कोट भी फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। तीसरे कोट को लगाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि सतह पूरी तरह से ढक जाए। यहाँ इस बात को विशेष रूप से नोट करें कि दूसरे कोट के पश्चात फैब्रिक को चिपकाने में देरी नहीं करें, अन्यथा वो पकड़ मजबूत नहीं बनेगी। फैब्रिक को चिपकाने के बाद तीसरा कोट भी तुरंत लगाएं, जिससे फैब्रिक की सतह से बॉन्डिंग मजबूत और श्रेष्ठतम हो जाए। ओवरलैपिंग जॉइंट्स को नुशार के मास्टर एडेसिव से फिल करना ना भूलें। अब क्योर होने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे का समय देना ही चाहिए। सर्दियों के समय क्योरिंग के लिए कुछ ज़्यादा समय की आवश्यकता भी हो सकती है। अब पूरी तरह क्योरिंग हो जाने के बाद स्मार्ट मास्टर कोट लगाएंगे। पहले कोट का घोल तैयार करते समय हम स्मार्ट मास्टर कोट में 20% पानी मिलाएंगे। इसे हाथ से या स्टीरर से अच्छी तरह मिलाकर क्योर सतह पर लगा देंगे। पहला स्मार्ट मास्टर कोट की कोटिंग के बाद हम 2 घंटे का समय क्योरिंग के लिए देंगे। सर्दियों में और नमी वाली जगहों में क्योरिंग के लिए कुछ समय ज़्यादा लग सकता है। सूखने के पश्चात हम स्मार्ट मास्टर कोट का दूसरा कोट लगाएंगे। दूसरे कोट का घोल तैयार करते समय स्मार्ट मास्टर कोट में 10% पानी मिलाएंगे। स्मार्ट मास्टर कोट का दूसरा कोट हो जाने के बाद हम फिर सूखने के लिए 2 घंटे का समय देंगे। स्मार्ट मास्टर कोट के दूसरे कोट की ड्राइंग हो जाने के बाद, यानी सूखने के बाद, हम नैनो टॉप कोट का पहला कोट लगाएंगे। नैनो टॉप कोट एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले घोल को अच्छी तरह से हाथ या स्टिरर की मदद से मिक्स कर लें और आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 5% तक पानी इसमें मिलाया जा सकता है। नैनो टॉप कोट का पहला कोट पूरा हो जाने के बाद क्योरिंग के लिए 1 घंटे का समय दें। इसके बाद नैनो टॉप कोट का दूसरा और आखिरी कोट लगाएं। नैनो टॉप कोट के दोनों कोट आप अपने मनपसंद लाइट कलर शेड में भी लगा सकते हैं। लीजिए, अब हमारी छत हर तरह के मौसम की मार झेलने के लिए तैयार है और अब हमारा घर हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ और मेंटेनेंस फ्री हो गया है। इस तकनीक को नुशार 7 लेयर मेम्ब्रेन हीट एंड वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट कहा जाता है।